आज मैं आप लोगों के साथ एक स्किन वाइटनिंग कॉफी फेशियल शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी स्किन वाइटन अप होंगे, ब्राइटन अप होंगे और स्पॉटलेस होंगे। इसके लिए पहले आपको चाहिए नॉर्मल कॉफी पाउडर। आप कॉफी बीन्स को ग्रेट करके भी पाउडर बना सकते हो। स्टेप वन है क्लींजिंग। सबसे पहले आपको लेना है 1 टेबलस्पून कॉफी पाउडर, उसके साथ लेना है 2 टेबलस्पून नॉर्मल एलोवेरा जेल। आप नेचुरल भी यूज कर सकते हो या मार्केट में अवेलेबल एलोवेरा जेल्स को भी यूज कर सकते हो। अभी स्किन के ऊपर इसको जेंटली 2 मिनट तक मसाज करना है और मसाज करने के बाद इसको नॉर्मल पानी से धो लेना है। सेकेंड स्टेप इज स्क्रबिंग। स्क्रबर्स को बनाने के लिए आपको 1 टेबलस्पून शुगर की जरूरत है। उसके साथ मिक्स कीजिए 1 टेबलस्पून कॉफी पाउडर और 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। आप यहाँ पे कोई भी कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हो। तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिला के रखिए और यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके लेके अपने स्किन को 5 मिनट तक स्क्रब कीजिए। इससे आपके स्किन के ऊपर वाले हिस्से के डेड स्किन सेल्स अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं और स्किन के ऊपर जो टैनिंग वगैरह थे वो भी रिमूव हो जाते हैं। नंबर 3 यानी कि लास्ट स्टेप, फेशियल मास्क। इसको बनाने के लिए आपको फिर से चाहिए कॉफी पाउडर। उसमें आप 1 टेबलस्पून बेसन डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून दही डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून हनी डाल दीजिए। ये चारों चीजों को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। इसके साथ आपको लेमन जूस भी डालना है कुछ ड्रॉप्स। ये चीज को एक साथ मिलाने के बाद एक ब्राउन कलर के थिक पेस्ट रेडी हो जाएंगे। अभी इसको एक ब्रश की मदद से, या आपके पास ब्रश नहीं है तो हाथ की मदद से, जिस एरिया पे भी आप फेशियल कर रहे हो ऐसे करके इवनली अप्लाई करना है। इससे आपके स्किन के ऊपर जो टैनिंग वगैरह है वो दूर हो जाते हैं, स्किन यूथफुल होते हैं, ग्लोइंग होते हैं, स्पॉट्स वगैरह सब रिमूव हो जाते हैं। ऐसे 20 मिनट्स तक रखने के बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। ये वॉश करने के बाद यानी कि लास्ट स्टेप करने के बाद आपको डिफरेंस खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आप एक बिफोर आफ्टर फोटो लेके रखते हो तो बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप महीने में 2 बार इसको जरूर ट्राई करें।